मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 1,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जिस पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बयान देते हुए कहा कि कर्ज लेना एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, आपदा जैसी चीजों पर खर्च होता है। हमारी सरकार किसानों, गरीबों और आम आदमी सभी का ध्यान रखती है। कई जनहितैषी योजना हम चला रहे हैं, बजट में सभी का ध्यान रखा जाएगा। आवश्यकता अनुसार सरकार को यह सब काम करना पड़ते हैं। जो आवश्यक खर्चे हैं उनको कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए ये निरंतर मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया सभी सरकारों में होती है। उसका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितना सदुपयोग किया जाएगा किसानों को लेकर भी? पूरी सरकार इसी में लगी है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और सभी विभाग और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण और पूरे प्रदेश के सारे लोग इसपे लगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।